सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क। विनायक दामोदर सावरकर एक ऐसा नाम जिनको इंडियन हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिगर्स के रूप में देखा जाता है। जहां कुछ लोग सावरकर को भारत की आजादी के वन ऑफ द हीरोज मानते हैं एंड दे कॉल हिम एज वीर सावरकर। सावरकर हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और सावरकर एक देशभक्त थे और इस देश के उन्होंने जितना त्याग किया है उसको शब्द नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इनको ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के सपोर्टर मानते हैं जो ब्रिटिशर्स के सामने झुक गए थे। इसके साथ साथ कुछ लोग सावरकर को एक एक्सट्रीम राइट विंग नेशनलिस्ट मानते हैं जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को हेट करते थे एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइडिंग नेशन एंड ब्रिंगिंग अप द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू राष्ट्र इन इंडिया। इनफैक्ट कुछ लोग तो सावरकर को महात्मा गांधी के 1948 असैसिनेशन से भी लिंक करते हैं। बट द क्वेश्चन कम्स दैट इनमें से कितनी बातें सच हैं और कितनी बातें सच नहीं है। वेल लेट्स ट्राई टू अनकवर द रियलिटी ऑफ वीर सावरकर। सो सावरकर आखिर देश के हीरो थे या फिर एक ट्रेटर थे, ये जानने के लिए हमें सावरकर की लाइफ को देखना होगा। सो लेट्स गो बैक टू 1800s। वीर सावरकर का जन्म 20 मई 1883 में एक चित्पावन ब्राह्मण हिंदू फैमिली में हुआ था इन नासिक महाराष्ट्र। स्कूल के दिनों से ही सावरकर इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स में पार्ट लिया करते थे एंड ही वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज एल्डर ब्रदर गणेश जो खुद एक रेवोल्यूशनरी थे। 1899 में सावरकर और इनके भाई ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की विच वॉज कॉल्ड एज मित्र मेला। बाद में सोसाइटी का नाम अभिनव भारत सोसाइटी पड़ गया था। और फिर इसके बाद 1906 में सावरकर लॉ की पढ़ाई पढ़ने के लिए लंदन चले गए और वहां उन्होंने इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया जो ब्रिटेन में रह के ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट बगावत करती थी। सावरकर को एक चीज जो बहुत ज्यादा खास बनाती थी डेट उनका मेन हथियार कोई एक बंदूक या बम नहीं थी बल्कि उनका मेन हथियार उनकी कलम थी। ब्रिटेन में रहते रहते उन्होंने दो किताबें लिखी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द इंडियन रेवोल्यूशन ऑफ 1857। इन दोनों बुक्स में उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को खूब एडवोकेट किया और ये बताया डेट कैसे भारत गुरिला वारफेयर का यूज करके आजादी पा सकती है। इन दोनों बुक्स ने बहुत सारे इंडियंस को इंस्पायर किया था टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर देयर फ्रीडम और इसी की वजह से ब्रिटिशर्स ने इन दोनों बुक्स को बैन कर दिया था। इसके साथ साथ वो मैनुअल बॉम्ब्स भी बनाया करते थे और वो इन बॉम्ब्स को अपने रेवोल्यूशनरी दोस्तों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इनफैक्ट ही आल्सो प्रोवाइडेड लीगल सपोर्ट टू हिज फ्रेंड मदन लाल ढिंगरा जिनको ब्रिटिश ऑफिसर को मारने के लिए अक्यूज किया गया था। ठीक इसी समय 1909 में इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इंडियन काउंसिल एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था विच वॉज ऑल्सो नोन एज मिंटो मोरले रिफॉर्म और इस एक्ट का सावरकर ने जमकर विरोध किया था एज ये इंडियंस के हित में नहीं थी। बट ठीक इसके एक साल के बाद ब्रिटिश पुलिस ने सावरकर के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट इशू किया फॉर हिज कनेक्शंस विद द रिवोल्यूशनरी ग्रुप नेम्ड इंडिया हाउस और फिर फाइनली 1911 में उनको 50 साल की जेल की सजा हो गई एंड ही वाज सेंट बैक टू बॉम्बे। बाद में 4 जुलाई 1911 उनको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ट्रांसफर कर दिया गया एंड ही वाज लॉक्ड इन ए सेलुलर जेल जिसको काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। नाउ सावरकर की कॉन्ट्रोवर्सीज की शुरुआत इस जेल से होती है। सो इस जेल में सावरकर को बहुत टॉर्चर किया गया, खूब मारा गया, बट इसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी एंड ही स्टार्टेड टीचिंग हिज फेलो प्रिजनर्स टू रीड एंड राइट। पर बाद में ही रियलाइज दिस थिंग दैट वो जेल के अंदर रह के भारत को आजादी दिलाने में ज्यादा कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे और उनको जेल से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और फिर ठीक इसी पीरियड में जेल से निकलने के लिए सावरकर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कई बार पिटिशंस लिखे इन एक्सचेंज ऑफ दैट अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज नहीं करेंगे। नाउ वीर सावरकर के ब्रिटिशर्स को पिटिशन लिखने को कुछ लोग एक टैक्टिकल मूव मानते हैं जिससे वो जेल से निकल सकते थे, बट वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सावरकर के इस एक्शन को क्रिटिसाइज करते हैं और वो उनको कायर बोलते हैं जिन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वीर सावरकर ने जो किया था वो हर एक पॉलिटिकल प्रिजनर का राइट होता है दैट वो गवर्नमेंट को पिटिशन लिख सकते हैं रिलीज करने के लिए। बट लेट्स से चलिए एक बार के लिए इस थ्योरी को मान लेते हैं दैट सावरकर ने ब्रिटिशर्स के सामने अपने घुटने टेक दिए थे, बट इससे क्या वो एक कायर हो जाते हैं? आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट दैट अगर आप सावरकर की जगह होते और अगर आपको देश की आजादी के लिए लड़ने की वजह से आपको जेल में बंद कर दिया जाता, आपको हर दिन टॉर्चर किया जाता, आपको हर दिन मारा जाता, बट इसके बावजूद भी आप देश की आजादी के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते और आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता दैट आप गवर्नमेंट को पिटिशन लिख सकते हो इन होप दैट वो आपको रिलीज कर दे, तो
क्या आप वो ऑप्शन चूज करते या नहीं करते, क्या आप वो पिटीशन लिखते या नहीं लिखते, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, सो थिंक अबाउट इट। सेकंड, जेल जाने से पहले सावरकर ने जितने भी किताबें लिखी और देश के लिए जितनी भी लड़ाइयां करी, क्या ये सारी चीजें नलिफाई हो जाती है जस्ट बिकॉज उन्होंने पिटीशन लिखे, और क्या वो इससे एक कायर हो जाते हैं? आई डोंट थिंक सो। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, सावरकर के इन पिटिशंस के बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें रिलीज करने से साफ साफ मना कर दिया, एज दे बिलीव दिस थिंग दैट सावरकर वॉज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड इन्फ्लुएंशियल रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। बाद में इन ईयर 1921 सावरकर को रत्नागिरी जेल, जो कि पुणे में है, वहां ट्रांसफर कर दिया गया। रत्नागिरी जेल में रहते समय सावरकर ने एक आइडियोलॉजिकल पैम्पलेट लिखा था जिसका नाम हिंदुत्व हु इज ए हिंदू था। इस पैम्पलेट में सावरकर ने हिंदू को एक पैट्रियोटिक और एक प्राउड इनहेबिटेंट ऑफ भारतवर्ष के रूप में डिस्क्राइब किया, एंड ही सेड दैट जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म और हिंदुइज्म ये सारे धर्म एक है और ये सारे धर्म को एकजुट होकर अखंड भारत का निर्माण करना चाहिए। ये बात कुछ लोगों को ऑफेंडिंग भी लग सकती है एज इसमें क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, बट सावरकर ने जो हिंदुत्व का डेफिनेशन दिया था वो बहुत ही ज्यादा है। और सावरकर के स्टैंड को समझने के लिए हमें यह समझना होगा डेट सावरकर के हिसाब से हिंदुत्व क्या था। सो जिन लोगों को नहीं पता तो मैं आपको ये बता दूं, डेट सावरकर एक सेकुलर इंसान थे और उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को कई बार अपने बुक्स में एडवोकेट किया था टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, एंड ही ऑलवेज फेवर्ड ए सेकुलर इंडियन स्टेट। बट अनफॉर्चुनेटली उनका जो हिंदुत्व टर्म है उनको बहुत लोगों ने मिस इंटरप्रेट और मिस रिप्रेजेंट किया है। मैनी पीपल क्लेम डेट सावरकर मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को हेट करते थे और उन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया था, बट क्या ये सारी बातें सच है? वेल, इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा डेट आखिर सावरकर ने हिंदुत्व टर्म को क्वाइन ही क्यों किया। हिंदू राष्ट्र है इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि हाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। उनके हिंदुत्व टर्म को इंट्रोड्यूस करने के पीछे कारण यह था डेट हिस्टोरिकली हजारों साल पहले भारत में सिर्फ हिंदू ही रहते थे। इनफैक्ट उस समय अपने आप को कोई हिंदू से आइडेंटिफाई भी नहीं करता था, एंड द रीजन बिहाइंड दिस वाज डेट उस समय तक भारत में कोई इन्वेजन नहीं हुआ था। और ये एक ह्यूमन बिहेवियर है डेट जब तक आपके अगेंस्ट कोई दूसरा खड़ा नहीं होता तब तक आप अपने में ही लड़ते रहते हो और आपके बीच कोई यूनिटी नहीं होती। उस समय ठीक ऐसा ही होता था, लोग अपने आप को अपनी जाति से आइडेंटिफाई किया करते थे, लाइक हम ब्राह्मीण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, एटसेट्रा। लेकिन जब बाद में भारत में मुस्लिम इन्वेजन हुआ और वो यहाँ रूल करने लगे, तब बाबर और भी कई मुस्लिम रूलर्स ने यहाँ के लोगों को हिंदवी या हिंदू कहना शुरू कर दिया। उनके हिसाब से जो लोग मुस्लिम नहीं थे, पारसी नहीं थे, ज्यूज नहीं थे, वो हिंदू थे। इसके बाद जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए और उन्होंने भी यहाँ रूल करना शुरू किया, तब उन्होंने भी हिंदू को इंडिया का नेटिव पीपल बताया जो यहाँ हजारों वर्षों से यहाँ रहते आ रहे हैं। सावरकर ने हिंदुत्व को किसी रिलीजन या धर्म से आइडेंटिफाई नहीं किया है, उन्होंने हिंदुत्व को एक कल्चरल आइडेंटिटी के रूप में आइडेंटिफाई किया है। उनके हिसाब से जो भी लोग, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, अगर वो भारत में हजारों सालों से रह रहे हैं मतलब वो हिंदू हैं। फ्रॉम दिस यू कैन क्लियरली सी डेट ब्रिटिश रूल के समय हिंदू को लेकर के लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे डेट आखिर हिंदू है क्या। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सावरकर ने हिंदू को एक कल्चरल आइडेंटिटी के रूप में डिफाइन किया था, एंड ही लिंक्ड हिंदुत्व टू ए कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू राष्ट्र और हिंदू नेशन। यानी कि चाहे आप किसी भी रिलीजन को मानते हो, अगर आप हिंदू कल्चर, नॉट हिंदू रिलीजन, हिंदू कल्चर को फॉलो करते हो जो इंडिया में हजारों सालों से चलते आ रही है, तो आप हिंदू राष्ट्र का पार्ट हो। सो दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ हिंदुत्व अकॉर्डिंग टू सावरकर। और जहां तक बात की जाए सावरकर को कुछ लोग देश को डिवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं डैट नंबर वन, टू नेशन थ्योरी का जो आइडिया था वो पहली बार 1876 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय सैयद अहमद खान, और उस समय सावरकर का जन्म भी नहीं हुआ था। सो ये कहना डेट सावरकर की वजह से इंडिया डिवाइड हो गया, ये कहना गलत होगा। बाद में फिर इन 1900s जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इस टू नेशन थ्योरी को प्रोपोगेट किया, और फिर फाइनली इन 1947 इंडिया गॉट पार्टीशन्ड। वीर सावरकर इंडिया के पार्टीशन के सख्त खिलाफ थे, वो टू नेशन थ्योरी को नहीं बल्कि टू नेशन इन वन कंट्री थ्योरी को मानते थे, और वो ये कहते थे डेट दो हिंदूज और मुस्लिम्स एक दूसरे से काफी अलग है, बट उन्हें अपने डिफरेंसेस को बरी करके इंडिया के लिए यूनाइट होना चाहिए। इनफैक्ट जब कांग्रेस और महात्मा गांधी इंडिया के पार्टीशन के लिए एग्री हो गए थे, तो उस समय सावरकर गांधी के बहुत ज्यादा खिलाफ हो गए थे। एंड नंबर टू, 1924 में सावरकर को रत्नागिरी जेल से रिलीज कर दिया गया था, और फिर इसके बाद इन 1937 उनको हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट बना दिया गया था टू प्रिजर्व द सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ द हिंदूज।
और इस ऑर्गेनाइजेशन ने 1945 में एक फ्री हिंदुस्तान स्टेट ड्राफ्ट को रिलीज किया था, जिनमें कुछ ये पॉइंट्स लिखे हुए थे दैट इंडिया में मेजोरिटी कम्युनिटी जो कि हिंदूज है उनको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट या एक्स्ट्रा कंसेशन नहीं मिलेगा, सिमिलरली माइनॉरिटी कम्युनिटीज को भी कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे, एवरीवन विल बी एन इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ। सेकेंड, आपका जो भी फेथ है, आप जिस भी धर्म को मानते हो, वो आपका प्राइवेट बिजनेस है और आपको अपने रिलीजन को अपने घर तक ही सीमित रखना चाहिए। आप घर में हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बट आप घर के बाहर आपको एक इंडियन होना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र में कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं होना चाहिए। हिंदुत्व इज सेक्युलर एंड इट अलाउज ऑल रिलीजन टू को एग्जिस्ट। फ्रॉम दिस इज प्रीटी मच क्लियर दैट सावरकर मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को हेट नहीं करते थे और उनके वजह से इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था। एंड एट लास्ट अगर बात की जाए उनके लिंक की गांधी के असैसिनेशन से, एज नाथुराम गोडसे हिंदू महासभा के मेंबर थे, तो यह बात जग जाहिर है दैट सावरकर गांधी और उनके पॉलिसीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और यही कारण है दैट कई लोग सावरकर को गांधी के असैसिनेशन से लिंक करते हैं। ट्रूली स्पीकिंग आई रियली डोंट नो दैट सावरकर का इसमें हाथ था या नहीं था, बट कोर्ट ने इनको इस मामले में एक बाइज्जत बरी कर दिया था। एट लास्ट मैं आपको यही बोलना चाहूंगा दैट अगर आपको सावरकर की कहानी ने छुआ और अगर आपको ये लगता है दैट ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता होनी चाहिए, देन आई हाईली अर्ज यू टू शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम वी द चेंज।